Hello friends, welcome to our channel of Exim Experts, and I heartily thank everyone for visiting our channel. हमारी चैनल पर आकर हमारे वीडियोस को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं एंड थैंक यू फॉर आस्किंग वेरियस क्वेश्चंस टू अस. और जैसे आप जानते हो कि इस चैनल से हम लोग आपके मन के जो भी प्रश्न हैं, आपके जो भी कन्फ्यूजन्स है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बारे में, उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं. और इस एफर्ट में जो आप हमारी सराहना करते हैं, जिस तरह से आप हमको मोटिवेट करते हैं, उसके लिए मैं आपका थैंक यू करता हूँ. इसी तरह आप हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं, आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के जवाब दे सकें. सो अगर हम आज के प्रश्न पर आए, तो ये प्रश्न हमें पिछले 6-7 महीनों से काफी बार पूछा गया है और अल्टीमेटली आज मैं उसका आंसर दे रहा हूं. तो प्रश्न ये है कि सर, फ्रेट चार्जेस कौन डिसाइड करता है और अभी इतने फ्रेट चार्जेस क्यों इंक्रीज हो गए हैं? सो जो व्यूअर्स नए हैं उनको मैं फ्रेट चार्जेस के बारे में बता दूं. फ्रेट चार्जेस आर दोस चार्जेस दैट इज द शिपिंग कॉस्ट. जब आप अपने कंटेनर को या अपने गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे मूव करते हैं, तो उसको कंटेनर में हमको स्टफ करना पड़ता है, तो उसका हमको चार्जेस पे करने पड़ते हैं. कंटेनर चार्जेस पे करते हैं और फ्रेट चार्जेस पे करते हैं. तो इन रिसेंट टाइम्स, इन लास्ट 6-8 मंथ्स, ये फ्रेट चार्जेस काफी इंक्रीज हो गए हैं. सो एक क्वेश्चन हमको बार बार आता है कि सर, फ्रेट चार्जेस कौन डिसाइड करता है, वो अभी इतने ज्यादा शूट क्यों हो गए हैं? सो अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेट चार्जेस जो है या शिपिंग कॉस्ट जो है वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. बट अगर इन शॉर्ट एकदम एक या दो वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं, तो इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. सो ऑब्वियसली वी नो दैट जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, अपने आप उस चीज की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. तो अभी सिनेरियो ऐसा है, अभी के सिचुएशन में ऐसा है कि भाई कंटेनर्स आर नॉट अवेलेबल, कंटेनर्स कम आ रहे हैं, और जिसकी वजह से सप्लाई कम होने की वजह से और कंटेनर्स की डिमांड ज्यादा होने की वजह से फ्रेट चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं. सो क्वेश्चन ये होता है कि ये डिमांड क्यों अचानक इंक्रीज हो गई या सप्लाई अचानक क्यों कम हो गई. सो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. सो सबसे पहला जो बहुत कॉमन रीजन है वो है सीजनालिटी. जब किसी प्रोडक्ट या कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल सीजन आ जाता है या पेंडेमिक जैसी कोई एक पर्टिकुलर चीज आ जाती है जिसके अंदर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है और उसका एक्सपोर्ट्स बहुत इंक्रीज हो जाता है, तो नॉर्मली जो नंबर ऑफ कंटेनर्स अवेलेबल होते हैं उससे ज्यादा उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई कम है, सो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाते हैं. तो सबसे पहले तो आता है कि भाई फेस्टिवल सीजन के अंदर जब डिमांड इंक्रीज होती है तब कॉस्ट इंक्रीज हो सकते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई एटमोस्फेरिक चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से सी रूट में गड़बड़ी होती है और शिप्स या आपके जो वेसल्स है वो ट्रैवल नहीं कर पाते या वो डिले हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हरिकेन आ जाता है, टॉर्नेडो आ जाता है, बहुत बारिश हो जाती है, पोर्ट पे कोई काम चल रहा है, तो ऐसे कई रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से शिपिंग वेसल्स जो है वो डिले हो जाते हैं और उसकी वजह से भी कंटेनर्स की सप्लाई कम होने की वजह से, और ऑब्वियसली डिमांड वही है पर कंटेनर की सप्लाई कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली उसके प्राइस शूट अप हो जाते हैं. अनदर रीजन कुड बी पॉलिटिकल रीजंस, ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से कई कंट्रीज शिप्स को ट्रैवल नहीं करने देती या उसको क्लियरिंग में टाइम लगाती है, या किसी भी रीजन की वजह से वो कंटेनर्स का जो मूवमेंट है वो डिले हो जाता है, उसकी वजह से भी अचानक डिमांड बढ़ सकती है और उसकी वजह से उसके प्राइस राइज हो सकते हैं. नेक्स्ट इज अगर बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे रिसेंट एग्जांपल है सुएस कैनाल में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी शिप ने पूरे सुएस कैनाल को रोक दिया था, तो सारे जो शिप्स वहां से होकर गुजरते थे वो वहीं पर रुक गए थे और उसकी वजह से एंड कंट्रीज में या टारगेट कंट्रीज के अंदर अभी कंटेनर्स की कमी हो गई थी,
और इसकी वजह से, और डिमांड तो वही की वही है और सप्लाई कम होगी, उसकी वजह से अचानक प्राइजेस बढ़ गए। कई बार फ्यूल प्राइजेस बढ़ जाते हैं, जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, किसी गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो उसकी वजह से भी कंटेनर कॉस्ट बढ़ सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्रेट चार्जेस या कंटेनर कॉस्ट बढ़ सकते हैं, एंड डेफिनेटली दे इम्पैक्ट योर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस नेगेटिवली। सो वो आपको अफेक्ट कर सकता है, बट अगर हम इसी बात पर रोते रहेंगे कि भाई फ्रेट चार्जेस बढ़ गए अब मैं क्या करूं, बट यू टू अंडरस्टैंड दैट वो जो कंडीशन है वो हमारे हाथ में नहीं है, वी कैनॉट कंट्रोल दैट सिचुएशन। सो बेस्ट वे, जो भी रास्ता निकल सकता है वो रास्ता निकाल के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, या तो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करके हमको शिप गुड्स को मूव करना पड़ेगा। सो व्हाटएवर बेस्ट वी कैन डू इन दैट सिनेरियो वी हैव टू डू, बिकॉज दैट कॉस्ट इज नॉट इन अवर हैंड, वो कॉस्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कई लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट फ्रेट चार्जेस इंक्रीज करती है अपने रेवेन्यू को बिल्ड करने के लिए, बट दैट इज अ मिसकंसेप्शन, बिकॉज गवर्नमेंट्स डोंट ओन द शिपिंग लाइन, शिपिंग लाइन को गवर्नमेंट ओन नहीं करती है। सो ऑब्वियसली जो भी कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। ऑब्वियसली अगर वो कॉस्ट बढ़ता है तो टैक्स उनका ज्यादा रेवेन्यू होता है, बट गवर्नमेंट्स डोंट इंक्रीज द शिपिंग कॉस्ट और द कंटेनर कॉस्ट। कई लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन होता है, तो मैंने सोचा कि इसकी क्लैरिटी मैं दे दूं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये फ्रेट के बारे में अगर आपको कोई कंफ्यूजन था तो मैं उसको दूर कर पाया होऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बात में कोई कमी रह गई है या कोई पॉइंट मैं मिस कर गया हूं, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या और कोई इससे जुड़े कोई और प्रश्न का अगर आप जवाब चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनका नॉलेज भी बढ़े, और किसी के मन में एक्सपोर्ट फील्ड में या इंपोर्ट फील्ड में आने में जो भी हिचकिचाहट है वो दूर हो और लोग अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर सके। और अगर आपकी प्रोग्रेस में हम कहीं छोटा सा आपको हेल्प कर सके उसमें भी हमें डेफिनेटली हमेशा खुशी होती है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू लाइक आवर वीडियोज, सब्सक्राइब आवर चैनल, and keep motivating us. Thank you.